हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए, आरपीएफ एसआई 5 जनवरी थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। देखिए, दो जोन में एग्जाम हो रहा है। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो बिल्कुल सटीक 100% आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, कोई भी हेर फेर नहीं है। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन है। तो वो कौन है, स्नेहलता श्रीवास्तव बनी है और हाल ही में बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये आरआरबी एएलपी में पूछा गया था, गुरुडीह में भी आया था किसी शिफ्ट में। तो कौन है, धीरेंद्र पाल सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनलक्ष्मी बैंक की सीईओ कौन है। तो टी लता जी हैं। देखिए, सीईओ हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गया, बुक्स हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, इन सब के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो उनको जाकर जरूर देखना और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 80+ जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, 80+ बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें अपलोड की हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय बैडमिंटन संघ के हेड कौन है। तो हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो हैं। जापान के पीएम पूछा गया था, तो सबको आता होगा ये क्वेश्चन, शिंजो अबे जापान के जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, तो कौन है, कम्बियन उत्तक होता है। उड़ान अभिलेख का तकनीकी नाम क्या है, तो हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, जिसका रंग नारंगी होता है। ये क्वेश्चन एक और आता है एग्जाम में। न्यूयॉर्क कौन सी नदी पर स्थित है, तो हडसन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, तो कौन सा है, पेरिनीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीटी रोड की स्थापना किसने की, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने जीटी रोड की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चोल शासकों ने किस धर्म को अपनाया था, तो शैव धर्म को अपनाया था। और देखिए, आपके एग्जाम में जो है कॉन्स्टेबल का एग्जाम हो चाहे एसआई का एग्जाम हो, रीजनिंग में जो है सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन आ रहे हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट जो है अच्छी खासी पूछी जा रही है। वाटर इमेज और मिरर इमेज से भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, और जीके की मैं बात करूँ तो पॉलिटी सबसे ज़्यादा आ रही है, फिर करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, उसके बाद साइंस, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर जो अदर सब्जेक्ट हैं वो, ठीक है। मैथ में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, सीआईएसआई सारे मिक्स आ रहे हैं। वैसे सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपनिषद पुस्तकें संबंधित हैं, तो दर्शन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया दिवस की थीम, तो देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में आया था तो उस टाइम मैंने आपको थीम बताई नहीं थी, जो थीम थी वो थी रेडी टू बीट मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिवोल्यूशन बुक किसने लिखी है, तो देखिए इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं मैंने 80+ बुक्स कवर की हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उनको जाकर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रिवोल्यूशन जो बुक लिखी है वो लिखी है इमैनुअल मैक्रों ने, और ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंच ओपन 2018 किसने जीता, तो राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है सिक्किम की राजधानी पूछी हुई थी, तो देखिए राजधानी, राज्यपाल जो भी हाल ही में बने हैं, आपको भारत के सब पता होने चाहिए, भारत में कौन कौन से मंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री कौन कौन से देशों में गए हैं, उनकी राजधानी, उनके राष्ट्रपति पीएम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिक्किम की राजधानी क्या थी, गंगटोक है। अगला क्वेश्चन था अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, तो देखिए जो ब्रांड एम्बेसडर की वीडियोज़ है 80+ मेरी, उसके अंदर मैंने सारे ब्रांड एम्बेसडर कवर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो गाइस, इतने ही क्वेश्चन थे जो मुझे मिल पाए हैं, ठीक है, जो मेरे ग्रुप में आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।